देखो देखो हम तुम्हारे लिए क्या भेज रहे हैं। मुझे भेंट पसंद आई मथुरा नरेश। तो मित्र प्रतीक्षा किस बात की, स्वीकार करो। आपकी भेंट बहुत स्वादिष्ट थी मथुरा नरेश। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आगा सर, एक बुरा समाचार है। हमारे परम मित्र और तुम्हारी बहन पूतना और भ्राता बकासुर मारे। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो दोनों तो महाबली महामायावी थे, जिसने किस बलशाली ने उन्हें मृत्यु दी। एक छोटा सा बालक। बालक? हाँ आगा सर, एक छोटा सा बालक। कहीं आप मेरे साथ हंसी ठट्ठा तो नहीं कर रहे मथुरा नरेश? नहीं आगा सर, यदि मैं तुम्हारे साथ हंसी ठट्ठा करूंगा तो वो बालक मेरा भी काल बन जाएगा। मैं गंभीर, तुम्हें उस बालक का काल बनना है आगा सर। कहा, यदि उस बालक ने पूतना और बकासुर का वध किया है तो अवश्य ही वो कोई मायावी है। तुम महामायावी हो बकासुर, महामायावी। तुम्हें कृष्ण का वध करना है। कृष्ण? हाँ बकासुर, उस बालक का नाम कृष्ण है और उसने पूतना और बकासुर के साथ साथ धेनु का सुर, वत्सासुर और कागासुर का भी वध किया है। विश्वास नहीं होता मथुरा नरेश। परंतु यह सत्य है आगासुर। मथुरा नरेश, पहले ही मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी है। तो आगासुर, उन चिंगारियों को हवा देकर आग में बदल दो और फिर आग के इन ज्वाला से उस कृष्ण को जलाकर राख कर दो। ऐसा ही होगा मथुरा नरेश, मैं कृष्ण को नष्ट करके ही रहूंगा। मैं प्रतिशोध लूंगा, मैं अपने भाई और बहन का प्रतिशोध लेने के लिए कृष्ण को मार डालूंगा। कहां है कृष्ण? मथुरा में? नहीं नहीं, वो कृष्ण गोकुल में है। गोकुल? शमशान बना दूंगा मैं गोकुल को। कृष्ण को आश्रय देने वाले गोकुल को मैं नष्ट कर दूंगा। हमें तुमसे यही आशा थी आगासुर, यही आशा। मुझे आज्ञा दीजिए। यशस्वी भव। प्रणाम मथुरा नरेश। नारायण नारायण, प्रभु कृष्ण के कारण गोकुल कितना प्रसन्न है। देवर्षि, जहां पर प्रभु का निवास होता है वहां पर अशुभ अमंगल के लिए कोई स्थान नहीं होता। जो
जो भी कुछ होगा शुभ ही शुभ होगा, आनंद ही आनंद होगा। यदि आप मन की आंखों से देखेंगे देवर्षि, तो जान जाएंगे पृथ्वी लोक के गोकुल और गोलोक में कोई अंतर नहीं रहा है। यदि अंतर रहा होगा तो कृष्ण के कारण मिट गया होगा। नारायण नारायण। प्रभु, अघासुर आ रहा है, मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये कन्हैया किससे बातें कर रहा है? और किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? कंस मामा जी ने अघासुर को भड़काया है। मामा जी कभी नहीं सुधरेंगे। मामा जी, पहले भी कई बार मैंने कृष्ण के मुंह से मामा जी सुना है, परंतु ये मामा जी है कौन? ये तो कृष्ण ही जाने। बच्चे अपने आप से इसी प्रकार से बातें करते हैं यशोदा, इसमें इतना चिंतित होने की कोई बात नहीं है। अघासुर महाभयंकर है प्रभु। वहां तो कोई भी नहीं है, फिर किसे देखकर हंस रहा है? वो गोकुल में आकर सबको भयभीत करेगा प्रभु। आप मैया और पिताजी को सावधान कर दीजिए, जैसी आपकी आज्ञा देवी। किससे बातें कर रहे थे तुम? उससे। अजगर? हाँ मैया। भयंकर, लंबा, इतना मोटा। अच्छा कान्हा, ये अजगर कहाँ से आने वाला है? जंगल से। देखो मैया, अजगर तो सत्य में महाभयंकर है। हाँ कान्हा, हम तो भयभीत हो गए। क्यों बड़ी मैया? अरे राक्षस आ रहा है ना। तो क्या हुआ? मैं हूं ना। मैं अजगर को यशोदा, हमारा कृष्णा हर संकट में हमारी रक्षा करेगा।
कभी कभी विचित्र सी बातें करता है। हाँ भाभी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, बच्चे कहानियां रचते हैं और स्वयं को सुनाते हैं। परंतु ये अजगर इसके विचारों में आया कहां से? अरे कहीं सुना होगा यशोदा। प्रभु, सभी समझ रहे हैं कि अजगर आपके मन का खेल है। राधे, अच्छा ही है, कभी कभी अज्ञान में सुख मिलता है। अगासुर मुझसे मिलने गोकुल आ रहा है। यदि इसका ज्ञान मैया और पिताजी को हो जाए तो वो भयभीत हो जाएंगे। अच्छा ही है, इसे यदि वो मेरे मन का खेल समझते हैं तो समझने दो। अघासुर अपने उद्धार के लिए अधीर हुआ है प्रभु। अमात्य चानूर, तुम मथुरा नरेश कंस को यहां क्यों लेकर आए? इन्हें तो किसी वैद्यराज के पास ले जाना चाहिए था। वसुदेव, वैद्यराज के पास जाकर ही हम यहां आए हैं और वैद्यराज ने हमें उपचार भी बता दिया। कहा कृष्ण को यमराज के पास पहुंचाते ही तुम्हारा बिगड़ा हुआ मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमने एक बहुत ही कुशल वैद्यराज को गोकुल भेजा है ताकि वह कृष्ण को यमराज तक पहुंचा दे। भैया, आप अभी भी कृष्ण जैसे छोटे बच्चे को अपना शत्रु मानते हैं? देव के चिंगारी छोटी ही होती है परंतु जब उसे हवा दी जाती है तो वो एक भयंकर आग बन जाती है और सब कुछ स्वाहा कर देती है। इससे पहले की चिंगारी आग बने उसे तुरंत बुझा देना आवश्यक है। माना कि कृष्ण अभी बच्चा है परंतु वो बड़ा होगा हमारी मृत्यु बने, इससे पहले हमें उसे मृत्यु दे देनी चाहिए। इसीलिए तो हमने एक कुशल वैद्यराज को गोकुल भेजा है। किस वैद्यराज को भेजा है तुमने? वैद्यों के वैद्य अघासुर। अघासुर? अजगर, 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 अजगर देव की अजगर। वो महाशक्तिशाली है, महाबलशाली है,
केवल अजगर ही नहीं है बल्कि कोई भी रूप धारण कर सकता है। वो मानव बन सकता है, वो राक्षस बन सकता है, वो कृष्ण के लिए यमराज का रूप भी धारण कर सकता है। कितना हंसना है हंस लो कंस, जो सपने देखना है देख लो। सत्य में कंस, तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो। वसुदेव कंस, यदि तुम विचार करते, यदि तुम सोचते, तो तुम्हारे ध्यान में एक बात आती कि यदि कृष्ण तुम्हारी मृत्यु है तो तुम्हारा कोई साथी, कोई मित्र, चाहे वो कितना ही महाबली हो, महाशक्तिशाली हो, वो कृष्ण की मृत्यु कैसे बनेगा? अगासुर भी कृष्ण द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा कंस। नहीं कंस, अपने इतने मित्रों को मृत्यु देने के बाद भी तुम्हारा जी नहीं भरा, इसलिए अब तुमने अगासुर को मृत्यु के मुंह में भेजा है। वो भी जीवित नहीं लौटेगा कंस, नहीं लौटेगा वो जीवित। जिस क्षण मुझे अगासुर की मृत्यु का समाचार प्राप्त होगा, उसी क्षण मैं देवकी को मृत्यु दे दूंगा और तुझे जीवित छोड़ दूंगा। जीवन भर तड़पने के लिए तुझे, तुमने मुझे भ्रमित किया था, इसीलिए देव की आज जीवित है। मेरी मृत्यु कृष्ण भी, परंतु मैं अपनी भूल सुधारूंगा और देव की को मृत्यु दूंगा। अपनी भूल सुधारूंगा। स्वामी, क्या करूंगा? और देखना चाहोगे मैं क्या कर सकता हूँ? Thank you.
करू? जय श्री कृष्णा।